भारत जेतिक पुरुणा सेतिक पुरुणा ए योग साधना विश्वर विज्ञान को योग हेउछि भारतर अवदान विश्व करुछि प्रमाण विश्व अंधारे थिबा बेले आलुअरे झलमल करुथिला भारत ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिकता और स्वास्थ्यर मिश्रण हेउछि योग जेतेबेले समग्र विश्वर सभ्यता आलोकरु वंचित रहिथिला सेतेबेले भारतरे योगी माने जन्म नेथिले एवं योग साधना करथिले। आज हजार हजार वर्ष पर मनीष समस्ता को बुझी पारिछि आमे आज बुझिबा कथा जे हजार हजार वर्ष पूर्वरु जन्म नेथिबा योगी माने ज्ञान एवं विज्ञान रे केते पारंगम थिले। आंतरजातीय योग दिवस परवर्ती वर्ष जून मास 21 तारीख रे पालन करा जाय। आंतरजातीय योग दिवस विश्व रे प्रथम थरो जून 21, 2015 रे पालन करा जायथिला। योगर अर्थ हेउछि मिश्रण ता अर्थ हैला निजको योग द्वारा उत्तीर्ण स्थिति सहित मिसाई देबा। भारतर पूरा विश्व को योग कौन आउ तार कौन विशेषत्व रहिछि सेही विषय रे आलोकपात करा जायछि। स्वास्थ्य ही संपद, हेल्थ इज वेल्थ, तेणु स्वास्थ्यर जत्न समस्ते नेबा जरूरी। योग करी आमे आम शरीर को सुस्थ रखिपारिबा। गत 2 वर्ष हेबो कोरोना तार काया समग्र विश्व रे विस्तार करथिला एवं 5 लक्ष उपरे लोक आम देश रे निजर प्राण हरैथिले। सेही समय रे योग गुरु बाबा रामदेव कहिथिले जे योग कले आमे कोरोना को मातेई पारिबु। भारत रे केउ प्राचीन कालरु योगर अभ्यास करिबा रहिछि भारतर प्रधानमंत्री यूएन को एक प्रस्ताव देथिले आउ योग को धरी यूएन तरफ एक बैठक मध्य करा जायथिला। आउ सेथिरे निष्पत्ति निया जायथिला कि जून 21 रे पूरा विश्व रे आंतरजातीय योग दिवस पालन करा जिवो। खेल कूद दौड़ जेमिति शरीर को फिट रखे सेहिपरि योगर विभिन्न आसन कले शरीर फिट रहे। योग कले मनुष्यर शरीर रे रक्त संचार ठीक रहे आउ मनीष विभिन्न रोगरु मध्य मुक्ति हुए। तेणु समस्त को योग करिबा उचित। शारीरिक योग एक सीमित विचार आमे जेतेबेले योग विषय रे कहू सेतेबेले शरीर ठारु बहुत ऊर्ध्वरे चिंता करू। भारत रे जेउ योगी माने जन्म नेथिले सेमाने शरीरर सीमितता ठारु बेस आगकु जाई विचार करथिले। पतंजलि योग रे योग विषय रे कहा जाय छे कि योग हला तहा जहा द्वारा आमे हमर मन को संयम करू। योग चित्त वृत्ति निरोध जेतेबेले योगी तार चित्त बा मन को निज अधीनस्थ कर दिए सेतेबेले सी एक साधारण मानव होइ रहे नै बरम विश्व पई एक वरदान होइ छै। विश्व रे भिन्न भिन्न स्थान रे महापुरुष माने भिन्न भिन्न समय रे जन्म नै छथिं एवं मानव समाज को उत्तीर्ण जीवन यापन रो मार्गदर्शन छथिं। सेमानको देखाइथिबा रास्ता को आमे जेतेबेले निजर करिनबा सेतेबेले विश्व एक निश्चिंत अशांत अवस्था रु मुक्ति पाइबो। जीवन मुक्ति परे चिंता केवल भारतीय दर्शन रे मिलथाय एवं योगी माने गुरु शिष्य परंपरा रे ताको मानि चलंती। गीतार 18 अध्याय 18 योगर नाम रे नामांकित करा जायछि। योग द्वारा मनीष निज प्राण शक्ति को निज अधीनस्थ करि पारिबो। प्राण को अधीनस्थ करि मनीष एक सुस्थ जीवन यापन करि पारिबो। शरीर पई जेउ योग करा जायथाय ताको हट योग कहा जायथाय। हट योगी वर्ष वर्ष साधना करि एही योग रे पूर्णता पाइथाय। एही योग द्वारा हट योगी दीर्घायु होइथाय। विभिन्न आसन एवं प्राणायाम करि से नाडी शुद्ध करिथाय। श्वेता स्वत उपनिषद रे कहा जायछि जे योगी आसन और प्राणायाम द्वारा मन को शुद्ध करि ब्रह्मरे मन को स्थिर करे। आज समग्र विश्व भारतर एक मन को आज समग्र विश्व भारतर ही दान को बुझि पारिछि ताहा हम पई बहुत गर्व एवं गौरवर विषय। योग के आदिम कालरु एठि जन्म नेछि किंतु आमे ताको निजर उपयोग रे सेमिति आनि पारि नहु। आज समग्र विश्व जेतेबेले योग उपरे आस्था ओ विश्वास रखुछि सेतेबेले आमे ताको बुझुछु। वर्तमान आम शिक्षा सहित जदि योग को जोडि दिया जाय ताहाले एक सुस्थ भारतर परिकल्पना करि परिबा। आम देशरे जेते खर्च देशर लोकक स्वास्थ्य पई हेउछि ताहा मध्य कमि जांता। कुहा जाय हेल्थी माइंड लिव इन ए हेल्थी बॉडी। स्वास्थ्य जदि ठीक रहिला ताहाले मनीषर मन भी स्वस्थ रहिबो। सौजन्य कालिदास ब्रह्मपुर खोड़ा सिंह कलिंगनगर। हेलो सीमा तू प्लस 2 परे कोन करिवु? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कोन करिवु? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कोन पढिवु? मु तो बीपीटी पढिवि। अच्छा मैं कोठी पढिबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभिंग को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा। ए जीवन साथे पूणी ज
जीवन देखा हेला मते साई सबुरी हॉस्पिटल बालाकाटी भुवनेश्वर।